तो जैसा कि फ्रेंड्स काफ़ी दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम लोग अपने शाओमी के डिवाइस में, रेडमी के डिवाइस में, जिसमें आप लोग मी यू आई को इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें कैसे आप लोग आईओएस को इंस्टॉल करेंगे। तो इसकी रिक्वेस्ट आप लोग मुझे काफ़ी दिनों से कर रहे थे कि मैं आप लोगों को एक ऐसी गाइड बताऊँ, एक ऐसी ट्यूटोरियल बताऊँ जिसमें आप लोग अपने किसी भी शाओमी के डिवाइस में आईओएस को इंस्टॉल कर पाएँ। तो फ्रेंड्स फाइनली आज की ये वीडियो इसी को पहुंचने वाली है। आज की वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूँ कैसे हम लोग अपने किसी भी शाओमी के डिवाइस में आईओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैं आप लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आपको जो यहाँ पर वॉलपेपर देखने को मिलती है आपके लॉक स्क्रीन पे, वो बिल्कुल आपको iOS 14 की वॉलपेपर देखने को मिल जाती है। और अगर विजेट वगैरह की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को फ्लैश लाइट और कैमरा की जो आइकन देखने को मिलती है, जो विजेट देखने को मिलती है, वो आप लोगों को iOS की यहाँ पर लुक दे देता है। और यहाँ पर जो आप लोगों को स्वाइप अप जो जैसे देखने को मिलती है, जिसे आप लोग स्वाइप अप करके अपने फोन को यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, तो आप लोगों को ये भी iOS वाली जेस्चर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर क्लॉक विजेट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोगों को iOS की क्लॉक विजेट देखने को मिल जाती है। और अगर लेफ्ट स्वाइप करेंगे आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन सेंटर देखने को मिल जाती है, जो आपके डिवाइस में, iOS के डिवाइस में, आपके फोन में iOS 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाती है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर होम स्क्रीन की फ्रेंड्स, तो होम स्क्रीन पर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो होम स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आपको वॉलपेपर देखने को मिलती है, वो आपको सेम वॉलपेपर वही देखने को मिलती है जो आपके डिवाइस में iOS के 14 के टाइम में देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं आइकन पैक की और डॉक बार की फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं बिल्कुल आप लोगों को सेम टू सेम आइकन पैक iOS वाले देखने को मिल जाती है, जबकि हम लोग यहाँ पर MIUI की डिवाइस को यूज़ कर रहे हो। मैं यहाँ पर POCO X2 यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग इसे अपने किसी भी Xiaomi डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करते हैं, मैं यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद अगर मैं आपको सेटिंग आइकन दिखा देता हूँ, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सेटिंग में जाने के बाद आप लोग को जो यहाँ पर लुक एंड फील देखने को मिलती है, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को iOS वाली यहाँ पर लुक एंड फील देखने को मिल जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पर डायलर पैड ओपन करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप लोगों को जो यहाँ पर डायलर पैड देखने को मिलती है, नंबर पैड देखने को मिलती है, बिल्कुल आप लोगों को iOS 14 वाली यहाँ पर नंबर पैड देखने को मिल जाती है। हर जगह आप लोगों को यहाँ पर iOS के लुक एंड फील देखने को मिल जाती है। हर जगह देख सकते हैं आप लोग जो आइकन वगैरह देखने को मिल रही है, शॉर्टकट्स फेवरेट देखने को मिल रही है, सब कुछ आप लोग यहाँ पर iOS की फील दे देता है। और अगर मैं आपको मैसेज वाली एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर भी iOS की इमोजीज वगैरह देखने को मिल जाती है, iOS की आई मैसेज वाली फीचर्स की सपोर्ट आपके MIUI की डिवाइस में देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हूँ, उसे आप लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ वॉलपेपर, तो यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल वॉलपेपर देखने को मिल जाती है, iOS 14 की वॉलपेपर देखने को मिल जाती है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करके गैलरी में जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोग यहाँ पर काफ़ी सारे iOS 14 की वॉलपेपर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मैं iOS की लुक एंड आइकन पैक जो देखने को मिल रही है, और सेटिंग में जाने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो फील आपको देखने को मिल रही है, वो आप लोगों को iOS 14 की थीम देखने को मिल जाती है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोगों को जो कंट्रोल सेंटर देखने को मिलती है, यहाँ पर भी आप लोगों को MIUI 12 कंट्रोल सेंटर सपोर्ट देखने को मिल जाती है, लेकिन इसे आप लोग अपने MIUI 10 और MIUI 11 में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ थीम में जाने के बाद, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग ये वाली थीम देखने को मिल जाती है iOS 14 वर्जन 12। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ये एक थर्ड पार्टी थीम है। अगर आप लोग किसी मॉडल रोम को अपने फोन में यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग इसे इजीली अपने फोन में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर जो iOS 14 में विजेट वगैरह देखने को मिलती है, तो इससे भी आप लोग अपने होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद, विजेट में जाने के बाद इसे अपने होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग चार्जिंग एनिमेशन की, तो आप लोग इस थीम में चार्जिंग एनिमेशन की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं आप लोग वाले चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाती है, जब आप लोग अपने फोन को चार्ज से कनेक्ट करेंगे, तो कुछ इस तरह से आप लोग आपके फोन में यहाँ पर लुक एंड फील देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड बात करते हैं, तो जो वॉलपेपर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग को ये सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाती है। तो आप लोग इसे फोन डाउनलोड करके अपने फोन में अप्लाई कर लेना, और इस तरह से फ्रेंड आप लोग अपने फोन में iOS वाली फीलिंग को, iOS वाली लुक एंड फील को अपने फोन में इजिली पा सकते हैं।